हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट टैब के डिफरेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें थीम्स का ऑप्शन। थीम्स बेसिकली पूरे जो डॉक्यूमेंट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो भी हम रिपोर्ट या अपनी कोई बुक कुछ भी जो तैयार कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें पूरे पेज की डिफरेंट सेटिंग्स के लिए होती हैं। जो इसमें कुछ कुछ प्री डिफाइंड थीम्स हैं, जैसे जैसे अगर मैं चेंज करती हूँ अभी ये थीम है, तो उसमें डिफाइंड होगा कि इसका हेडिंग किस फॉन्ट में होनी चाहिए, उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, वर्ड्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, बीच में पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो वो जो सेटिंग्स हैं वो डिफरेंट थीम लेते ही हमारे पूरे पेज पर अप्लाई हो जाती हैं। तो थीम्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग। जैसे ही मैं थीम अगर सिलेक्शन अपना चेंज कर रही हूँ, तो देख सकते हैं हम कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से फॉन्ट चेंज हो जाता है, इसका स्पेसिंग चेंज हो जाती है, इसमें बोल्ड है या साइज़ डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें सेट करने के लिए हम थीम्स ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, हम अभी जो भी हमने थीम लगा रखी है, अपना जो भी कस्टम सिलेक्शन किया हुआ है कि मुझे हेडिंग इस फॉन्ट में चाहिए, इस साइज़ में चाहिए, ये इटैलिक होना चाहिए या बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, उन सारी सेटिंग को हमने अगर किसी डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर रखा है जो कि हमारी प्री जो हमें डिफाइंड थीम्स हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद की थीम इस तरीके से बनाकर उसे सेव करंट थीम कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम हमारा कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, तो हमें फिर से सारे सिलेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हमारी जो कस्टम थीम है, जैसे यहाँ पर एक कस्टम थीम बनी हुई है थीम वन, तो हमें यहाँ पर लिस्टिंग होकर आ जाएगी वो थीम। हमें जैसे ही उसको सेलेक्ट किया, तो सारी जो भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी है अपनी थीम में, वो उस डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एक मार्जिन्स का, कि जब भी हम कुछ डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं, तो हमें उस डॉक्यूमेंट में किस टाइप से हमारे जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए होने चाहिए। जैसे अगर हम नैरो मार्जिन चूज़ करते हैं, तो देख सकते हैं हम कि इधर बिल्कुल पेज के दोनों साइड में बहुत कम स्पेस छोड़ता है। अगर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल जैसा हम A4 साइज़ पर प्रिंटिंग देखते हैं वैसी आएगी। अगर हम मॉडरेट करते हैं, तो उससे थोड़ा कम स्पेसिंग हो जाती है नॉर्मल से। वाइड में बिल्कुल सेंटर में हमारा जो भी हमने लिखा हुआ है वो मैटर आ जाएगा, बाकी बहुत सारा ब्लैंक स्पेस पूरे डॉक्यूमेंट में हमारा छूट जाता है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ओरिएंटेशन का, जब हमें किस तरीके से उसे देखना है। अगर जो अभी हमें दिखाई दे रहा है ये ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट, अगर हमें उसे लैंडस्केप में देखना है, तो पेज की साइज़ जो उसकी विड्थ है वो बढ़ जाती है और उसकी लेंथ कम हो जाती है। इस तरीके से अगर हमें किसी चीज़ का प्रिंट लेना है, तो हम इस तरीके से भी उसे ले सकते हैं। तो हम जब प्रिंट करेंगे, तो ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिस भी मोड में हमने सेट किया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग उस पेज पर प्रिंट आ जाता है। फिर है हमारा साइज़, कि हमें A4 साइज़ में लेना है या लेटर साइज़ में लेना है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलम्स। हम पहले इसको ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट सेट करते हैं। कॉलम्स में हमने जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट है हमारा कॉलम। इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमें उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। 1 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। अगर हमें 2 कॉलम्स चाहिए, तो इस तरीके से जैसे हम बहुत सारी बुक्स में देखते हैं कि उसमें 2 कॉलम प्रिंटिंग होती है। 3 कॉलम का ऑप्शन भी है, बट जनरली यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। लेफ्ट साइड में अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं, तो लेफ्ट में थोड़ा कम मैटर होगा, उसकी जो विड्थ है वो कम होती है। राइट साइड में ज़्यादा विड्थ वाला होता है, जबकि अगर हम राइट ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जिस भी तरीके की हमें रिक्वायरमेंट हो, हम उस तरीके की अपनी सेटिंग्स को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वाटरमार्क का। अगर हमें अपने पेज में कि इसकी कोई कॉपी नहीं कर पाए, तो हम अगर हम इसमें वाटरमार्क लगाना चाहते हैं कि कोई इसी मैटर को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, उसे अवॉइड करने के लिए हम
इसमें वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, जैसा हमें यहाँ दिख रहा है कि ड्राफ्ट लिखा हुआ है वाटरमार्क में, तो वो बिल्कुल बैकग्राउंड में होता है, वो टेक्स्ट के बिल्कुल बैकग्राउंड में होता है, तो इतनी विजिबिलिटी नहीं होती है। अब जैसे हम इसे अप्लाई करके देखते हैं, इसमें कुछ कुछ वाटरमार्क्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं। सपोज़ हमने फर्स्ट कॉन्फिडेंशियल चूज़ किया, हम जैसे उसका प्रिंट लेते हैं तो ये हमें विजिबल हो जाता है कि इसके बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क लगा हुआ है और उसके ऊपर फिर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें हम अपना कस्टम वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसमें तीन चीज़ें हैं, नो वाटरमार्क, पिक्चर और टेक्स्ट। अगर हमें पिक्चर वाटरमार्क सेलेक्ट करते हैं तो हम कोई सी भी इमेज सेलेक्ट करके और उस इमेज को एज अ वाटरमार्क हमारा यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमने ये चूज़ की, ओके, हम देखते हैं कि ये जो पिक्चर है ये हमारी एज अ वाटरमार्क हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हम अगर हम टेक्स्ट कुछ और दूसरा लेना चाहें, यहाँ पे कुछ कुछ टेक्स्ट अवेलेबल हैं, इस टेक्स्ट में से हम कोई सा भी टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का फॉन्ट चाहिए, उसका लेआउट चूज़ कर सकते हैं, हमें डायगोनली प्रिंट करना है, हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका कलर भी हम चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये कलर यूज़ किया, अप्लाई, तो हम देख सकते हैं कि इसमें ये वाटरमार्क विजिबल हो रहा है। अर्जेंट जो मैंने कलर चूज़ किया था उस कलर में ये वाटरमार्क विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा पेज कलर। अगर हमें हमारे पेजेस को किसी स्पेसिफिक कलर में देना है तो हम यहाँ इन ऑप्शंस की मदद से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है पेज बॉर्डर्स। अगर हमें अपनी रिपोर्ट या अपनी जो भी डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं उसमें बॉर्डर्स चाहिए तो हम उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस में से हम चूज़ कर सकते हैं जो भी ऑप्शन हमें चाहिए वो ऑप्शन हम, और अगर हमें कुछ बॉर्डर नहीं चाहिए तो हमें एंडमेंट नन, तो वो सारा बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में अगर हमें लेफ्ट साइड में इंडेंट करना है अपना जो कंटेंट लिखा हुआ है तो हम इस तरीके से उसे नंबर्स बढ़ा सकते हैं। राइट साइड में अगर हमें हम अपने पैराग्राफ की इंडेंटेशन करनी हो तो ये जैसे हम चेंज देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ का इंडेंटेशन हो रहा है और इतना राइट साइड में स्पेस क्रिएट हो रहा है। अगर हमें ज़ीरो चाहिए तो हम वापस से ओरिजिनल सेटिंग्स जो थी वहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग पैराग्राफ्स के बीच की, अगर जैसे मुझे इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में ज़्यादा स्पेस देना है तो मैं यहाँ से ज़्यादा स्पेस चूज़ करके पहले हम इसे वन कॉलम में चेंज कर देते हैं, फिर ज़्यादा हमें समझ में आएगा। यहाँ गए हम और अगर मुझे ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए तो हमारी स्पेसिंग इस पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग मुझे कितनी चाहिए, इस पैराग्राफ में अगर मुझे बिफोर स्पेसिंग चेंज करनी है तो मैं उसको भी चेंज कर सकती हूँ।